भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारत में बैंकों के बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित था, जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक का गठन एक निजी संस्था के रूप में 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, लेकिन अब यह एक सरकारी संस्था है। इस केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 तक नहीं हो सका था। भारत में केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। सर ओर्सबान स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। उनका कार्यकाल बैंक की स्थापना के समय यानी 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक था। सीडी देशमुख पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला था और वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर बने। इसके अलावा वह वर्ष 1951-52 में अंतरिम बजट के समय भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। देशमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ थे। के जे उड़ेसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी। उन्हें वर्ष 2003 में इस पद पर नियुक्त किया गया। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ करेंसी नोटों की छपाई करता है, जबकि सिक्कों को बनाने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 और 10,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई वर्ष 1938 में की थी। इसके बाद वर्ष 1954 और 1978 में भी इन नोटों की छपाई की गई थी। भारत के अलावा रिजर्व बैंक दो अन्य देशों पाकिस्तान और म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी भूमिका निभा चुका है। आरबीआई ने जुलाई 1948 तक पाकिस्तान और अप्रैल 1947 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। यह बड़ा रोचक तथ्य है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी नहीं है। इसमें 17,000 श्रेणी 1, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारी कार्यरत हैं। मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद पर कार्य कर चुके हैं। सिंह ने आरबीआई के गवर्नर पद पर 1982 से 1985 तक काम किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में मॉनिटरी म्यूजियम मौद्रिक संग्रहालय का भी संचालन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देश भर में 29 ऑफिस हैं, इसमें से अधिकांश ऑफिस राज्यों की राजधानी में हैं। आरबीआई में एक गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हाल ही में रघुराम राजन अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद 4 सितंबर 2016 को रिटायर हुए हैं। उर्जित आर पटेल 6 सितंबर को आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में अपनी जगह संभाल चुके हैं। पूरे भारत में सिर्फ 4 शहरों में आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी में है। आरबीआई का मेन हेडक्वार्टर सबसे पहले बंगाल के कलकत्ता में था, जिसे 1937 में मुंबई ले जाया गया। तो है ना ये जानकारी रोचक? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए। हम इस तरह की कई और जानकारियां आपको देते रहेंगे। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इनसाइड टीवी न्यूज़।